परमात्मा यदि परम धाम है तो सदगुरु साधना की जागृति, भजन की जागृति, पूर्ति पर्यंत पथ और प्रवेश द्वार है। और वे महापुरुष वाणी से पहले समझाते हैं, लेकिन हृदय से जब रेले जागृत हो गया तो बारह आना हृदय से, चार आना वाणी से। हर समय साधक का उठना बैठना, नहाना धोना उस महापुरुष का जो अव्यक्त स्वरूप है उसके अंतर्गत रहता है, लेकिन उन महापुरुष से जरा सा अभाव हुआ फिर उसको रोने को आंसू नहीं मिलता। इसलिए गुरु बिनु भवने दीतर ही न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। विधाता और शंकर की स्थिति का है, और उस स्तर पर भी गुरु से दुराव हो गया तो भवनिधि तरही न कोई। लेकिन गुरु एक स्थिति है जो उस गुरुत्व को प्राप्त है। नास्ति तत्व गुरु परम, जो अविनाशी तत्व है वही परम गुरु है। उस तत्व में जो स्थित है वे सदगुरु होते हैं, जो सत्य से संयुक्त है, सत्य को प्रसारित कर सकते हो। और नहीं तो फिर घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर, बाबा ने दी दो रोटी और पहले काट ली चोटी, बाबा ने मारी लात चल जमात के साथ, जमात में पड़ा काम तो चेला रमते राम, हाट के गुरु और बाट के चेला, काल का मुड़िया आज अकेला, और गुरु चेला दोहु नरक में ठेलम ठेला। बस इसीलिए गुरु को जानने के लिए किसी के पास अन्य आंख नहीं है। पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, शत संगति संस्कृति करे अंता। पुण्य के पुंज के बिना संत सदगुरु नहीं मिलते।